आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे मोगरी और आलू। मोगरी आलू की इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब, इतनी मजेदार रेसिपी बनाएंगे। और मेरी फेवरेट है, सर्दी सर्दी आपने मोगरी आलू खा ली तो आपका पेट कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा और आपको कब्ज भी कभी नहीं होगी। ऐसी बनाएंगे कि उंगलियां नहीं, प्लेट भी चाट चाट के खा जाएंगे आप। तो यहाँ पर हमने जो मोगरी ली है, कुछ लोग इसको इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसको साफ करने में, तोड़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन इतनी हेल्दी है, मेरी सच बता रहा हूँ, कसम से दोस्तों, मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे रोज ही अगर मोगरी आलू खिला रहे हैं तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ पर हमने मोगरी जो ली है, ये ली है 500 ग्राम, 500 ग्राम बिल्कुल फ्रेश कच्ची कच्ची मोगरी। ये देखिए, हम बचपन में इसको कच्ची खाते थे, ऐसे ऐसे तोड़ते थे और कच्ची कच्ची चबा जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिए 6 मीडियम साइज के आलू, नए वाले आलू लिए। तो आलूओं को रखते साइड में, जो सारा काम है अभी, ये सबसे ज़्यादा समय लेगी ये मोगरी। मोगरी के साथ क्या करना है, जैसी हम मार्केट से लाए थे वैसी है। तो अब बारी है पानी की, जो है सबकी जिंदगानी, इसके बिना नहीं है किसी की कहानी। इसमें थोड़ा सा इसे डालकर धो लेते हैं। ये देखिए, इसको इस तरीके से धोने के बाद में निकाल देंगे। अब क्या करना है इसके साथ में, इसके साथ में हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए, इस पर होता है ऊपर डंठल, इसको तोड़ देना ऐसे और पीछे से इसकी चोंच तोड़ देनी। ये इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। अब उसके बाद इसे हाथ से ऐसे एक एक इंच, डेढ़ डेढ़ इंच के हिसाब से तोड़ लें बस। अब मेरे को 4-5 जने लगाने पड़ेंगे, अगर मैं अकेला करूँगा तो कम से कम मुझे इसको साफ़ करने में 1/2 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से साफ़ कर लेंगे, तोड़ लेंगे इनको। पीछे वाला तोड़ देना है, आगे वाला ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये तोड़ देना है और बाकी से जैसे तोड़ लेना है ऐसे। ये देखिए, काटने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे पकड़ें, ऐसे जमाते एक एक करके लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे फिर काटेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसे कुछ नहीं करना है, ऐसे तोड़ देना है। ये देखिए, तोड़ दिया। और ये देखिए, इस तरीके से तोड़ लेना है। ये देखिए, देखिए मोगरी हो गई अच्छे से, तोड़ ली हमने और टाइम लगाया पूरा 15 मिनट। इसको हटाते हैं, पानी लाते हैं, जो है सबकी जिंदगानी, इसमें डालते 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, 5, 6 आलू। अब ये नए आलू हैं तो इनको छीलना नहीं है, बस रगड़ रगड़ के धो लेना है। ये देखिए, इसे रगड़ लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा छिलका होता नहीं है इन पे। और जहाँ मिट्टी है ज़्यादा, वहाँ नाखून का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, और जो काला छिलका है उसे निकाल देंगे नाखून से। ये देखिए, उसके बाद इसे एक बार और धो लेंगे। ये एक हो गया, चलिए दूसरा। बहुत ही शानदार हरा है, यहाँ से काट देंगे इसको बाद में, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। और एक सामग्री लास्ट में डालेंगे, उससे स्वाद और फ्लेवर बढ़ जाएंगे इसके, मोगरी आलू के। क्या बात है, मोगरी आलू मेरे फेवरेट। ये आलू भी छिल गया, साफ हो गया, मतलब छिला नहीं। ये लीजिए, इसको भी छील ले, मतलब साफ़ कर लेते हैं, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के साफ़ करें। थोड़ा नाखून का इस्तेमाल करें। और देखें, मिट्टी है नहीं है, काला है कुछ नहीं है। चलिए, ये भी हो गया, दूसरा भी कर लेते हैं, नहीं चौथा, ये चौथा है। यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है। ये देखिए, इस तरीके से अब यह हमने एक बार तो अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है, 2 बार और इसे रगड़ रगड़ के धोएंगे। ये देखिए, ओहो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब है। ये देखिए, ये बात हो गया, बाप रे कितनी मिट्टी निकली है। और ये काला हटाओ, काला हटाओ। ये लीजिए, ये लास्ट एंड फाइनल आलू। और नए आलू तो उतने टेस्टी लगते हैं खाने में, सर्दी सर्दी नए आलू के साथ कचौरी बना के खाएं, समोसे बना के खाएं,
बहुत मज़ा आता। बस वो नहीं बनती इनकी, क्या बोलते हैं उनको, फ्रेंच फ्राइज नहीं बनती। बस फ्रेंच फ्राइज बनती है पके हुए आलू होगी। चलिए ये लीजिए, आलू हो गए साफ, एक बार और धो लेते हैं अच्छे से इनको। ये देखिए आलू एक बार और इसमें हमने रगड़ ली है। अब आलू को काटना है, तो पहले हरा वाला बता देता हूँ। ये देखिए हरा आलू है, यहाँ से इसे काट देंगे। ओहो ये तो मीठा भी है। चलिए यहाँ से भी काट देते हैं, यहाँ से काटते हैं और इसे इस तरीके से काटेंगे। ये देखिए इस तरीके से आलू काटने हैं हमें। ये देखें ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ज़्यादा मोटे नहीं काटे, ज़्यादा मोटे काटेंगे तो क्या होगा, गलेंगे नहीं, और गलेंगे नहीं तो क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आएगा। आलू हमेशा 95% घुल जाने, मतलब पक जाने चाहिए यार दोस्तों। ये देखें काट लेते हैं, क्या बात है। ये इसको भी काट लेते हैं, क्या बात। छिलका बहुत, मतलब बहुत फायदेमंद होता है। ये नहीं, एक एक करके काट लेते हैं यार दोस्तों। ये क्या, ये आलू कट गए, क्या कट गए दोस्तों, आलू, ये आलू कट गए। और वापस पानी ले लेते हैं, जो है सबकी जिंदगानी, उठाते हैं डाल देते हैं। अब आलूओं को एक बार और रगड़ लेते हैं। मोगरी साफ हो गई है, मोगरी छिल गई है। अब बताते थे आपको क्या क्या सामग्री डलने वाली मस्त और टेस्टी बनाने के लिए। तो दोस्तों आलू भी हो गए हैं, मोगरी भी हो गई है, और हमें चाहिए इतनी सारी सामग्री, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, कमी है, सबके घर में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर हमने 20 कलियाँ ली थी मोटी वाली, और आधा इंच अदरक लिया था, आयरन के स्रोत में कूट लिया है, 2 इतने बड़े साइज की प्याज बारीक काट लिए, 1 छोटा चम्मच हींग, टमाटर का हमने बना लिया है पेस्ट, बीज और छिलका निकाल के, देखिए बीज ये रहे, और इसमें से जो रस है वो भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए नमक लेंगे स्वाद अनुसार, नॉर्मल वाला काला नमक तो चाहिए चाहिए, 1 छोटा चम्मच। धनिया पाउडर 1 काफी बड़ा चम्मच इतना, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च आधा चम्मच, और जीरा आधा चम्मच, हल्दी लेंगे हम बिल्कुल 1 छोटा चम्मच या 8 से 10 पिंच। यहाँ चढ़ा दिए सुंदर और सुशील वाली कढ़ाई। कढ़ाई जब तक गर्म हो रही है तब तक क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और आलू का पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है, गैस को लो फ्लेम से हाई फ्लेम पे करते हैं और डाल देते हैं 5 चम्मच तेल। और तोलिए वाले यहाँ 1 बूंद डाल सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारी तेल से नहीं होती है। और जो मसालेदार खाते हैं वो 5 चम्मच की जगह
8 चम्मच भी डाल सकते हैं। तेल को होने देते हैं गरम, तेल गरम होने के साथ ही डाल देंगे जीरा, और जीरे को जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए हो गया हल्का गोल्डन ब्राउन, और सीधा डाल देना हमें आलू। आलू डाल दिए, गैस को करेंगे यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर। आलू डालते ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक, और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ही डालेंगे नॉर्मल वाला नमक। हल्दी यही डाल देंगे 8 से 10 पिंच 1 छोटा चम्मच, और अब क्या करेंगे मिला लेंगे। अब करीब 6 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर आलूओं को चलाएंगे। कितना? 6 से 7 मिनट। देखिए दोस्तों आलूओं को 5 मिनट हमने चला लिया और 50% आलू यहाँ पक गए। अब इसमें डाल देंगे हम मोगरी, ये रेडिश बोलते हैं इसको, रेडिश बीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप बता दो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। ये डाल देंगे इसमें, नीचे गिर गई है दोस्तों वो भी डालनी पड़ेगी, पीछे भी गिर गई है बाद में डालेंगे। चलिए अब मिला लेते हैं। अब 3 मिनट के आसपास रेगुलर चलाएंगे, यानी लगातार। किसी ने मुझे बोला था कि रेगुलर नहीं होता लगातार होता, चल भाई तुम्हारा कहना मान लेता है, चलिए चला लेते हैं। कितना? 3 मिनट। ये देखिए दोस्तों पूरा 3 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पे चला लिया है, गैस को करते हैं यहाँ पर बंद, और आवाज आती है बारी मेरे फेवरेट झावे की, इससे निकाल लेंगे यहाँ पर मोगरी और आलू। ये देखिए दोस्तों मोगरी आलू निकाल लिए 3-4 मिनट फ्राई करके, यहाँ पे बचा है इतना सा तेल। क्या करेंगे 3 से 4 चम्मच तेल और डालेंगे, और 2 ऑयली वाले यहाँ पानी डाल सकते हैं, और वापस से करेंगे यहाँ पर गैस को ऑन। तेल को होने देते हैं गरम, देखिए तेल गरम हो गया। तेल गरम होते ही सबसे पहले डाल देंगे प्याज, क्या करेंगे प्याज को थोड़ा स्टर करेंगे, और यहां प्याज को हल्की गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा कलर चेंज करेगी फिर डाल देना है आयरन के स्रोत में कुटा हुआ ये अदरक और लहसुन। अब करना है इसे हल्का गोल्डन ब्राउन दोनों को, गैस को यहां पे कर देते हैं मीडियम लो फ्लेम पर। ये देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन जैसे ही प्याज हो जाएगी फिर हमें क्या करना है, अरे ये देखिए जिसमें हमने लहसुन कूटा था उसमें 100 ml पानी डाल दिया, वो डाल देंगे, साथ में डाल देंगे हींग 1 छोटा चम्मच, साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच सी सॉल्ट नॉर्मल वाला नमक, और 1 छोटा चम्मच काला नमक। हल्दी डाल चुके हैं, अब यहाँ डालेंगे 1 काफी बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, देखिए इतना। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच, ये देखिए इतना। तीखी वाली लाल मिर्च 1/2 चम्मच, ये देखिए इतना। अब मिला लेंगे,
हल्का सा पका लेंगे। और अब डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसे भी चला लेंगे उबाली आने तक, हल्का तेल छोड़ने तक। यह देखिए तेल पूरा छोड़ दिया है ग्रेवी ने, उबाली भी आ गई है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये मोगरी आलू डाल देंगे। अब गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे, मीडियम लो फ्लेम से, और मिला लेंगे। और वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अभी एक सामग्री डालेंगे, स्वाद बढ़ा देगी, फ्लेवर बढ़ा देगी, मजा ही आ जाएगा। ये देखिए मिला लिया। मिलाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें डालेंगे सिर्फ 100 ml पानी। 100 ml पानी डालने के बाद में मिला लेंगे एक बार। ये देखिए मिला लिया। अब गैस कर देंगे लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर इसको ढक्का रख देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। ढक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए, गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये रही सीक्रेट सामग्री जो स्वाद फ्लेवर मजेदार कर देगी दोस्तों। क्या करना है, हमने 2 पापड़ लिए, मूंग दाल पापड़ रोस्ट कर लिए हैं, ब्रांडेड पापड़ ही लेने हैं, लोकल पापड़ या सिंधी पापड़ ना डालें, स्वाद खराब कर देंगे। क्या करना है, इस तरीके से इनको तोड़ लेना है। तोड़ के अब क्या करेंगे, मिक्सी में बना लेंगे इसका पाउडर। तो अब हटा लेते हैं ढक्कन, गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर, मिला लेते हैं। और हाई फ्लेम पर इसे थोड़ा सा हम जलाएंगे। और ये है मिक्सी में बना दिया हमने पाउडर, ये डाल दिया हमने पापड़ का पाउडर, मिला लेते हैं। इतने स्वाद इतने फ्लेवर बढ़ा देगा ये मोगरी आलू के, स्वाद ऐसा बेस्ट हो जाएगा, जो भी खाएगा तारीफ जरूर करेगा और पूछेगा जरूर ऐसा क्या डाला है यार आप लोगों ने, आपने ऐसा क्या डाला है, ये मोगरी आलू इतने टेस्टी क्यों लग रहे हैं। चलिए 50 ग्राम बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं साथ में, और इसको भी मिला लेते हैं। लास्ट में क्या डालेंगे इसके अंदर, हम डालेंगे क्या, 8 से 10 पिंच काली मिर्च पाउडर, ये और स्वाद बढ़ जाएंगे। मिला लेते हैं, ये मोगरी आलू की सब्जी बनकर तैयार है, रेसिपी बनकर तैयार है। गैस को करते हैं यहाँ पर बंद। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घड़ी पर दबा के ऑलरेडी सब्सक्राइब करें, ऐसी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर भी काफ़ी रेसिपी, उन्हें देखिए बनाइए खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। तो चलिए जो बनाइए मोगरी आलू, आलू मोगरी मस्त मसालेदार सब्जी की रेसिपी, उसे खाकर खत्म करते हैं बटर रोटी के साथ, चपाती यानी बटर रोटी पतली वाली।